यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां दौलतपुर अजमतपुर गांव में विवाहिता को जहर खिलाने का मामला सामने आया है। बता दें, विवाहिता की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना हुई क्या, जब लड़की की बाप से नेतारी से दहेज मांग रहे कि भैंस दो या 50,000 रुपया दो या गाड़ी दो, जब हम पर ना बन पाए तो हमारी लड़की को जहर देकर मार दो। तीन महीना लड़की की शादी को हुई है। कहाँ की थी शादी? शादी दौलतपुर में। अच्छा, किसके साथ की थी शादी? राम खिलाड़ी। अच्छा, तो किस लिए वो उत्पीड़न करते थे आपकी बेटी से, मारपीट करते थे दहेज के लिए? लड़ते गए, हर वक्त लड़ाई, जेठ जेठानी बहुत लड़ाई है। अरे सर, दहेज की। अच्छा, अब क्या हुआ था बीती रात को? दहेज मांग रहे तो वो लड़की बोली कि मेरे बाप में तारी गरीब है, मैं कहाँ से लाऊं। अच्छा, आपकी बेटी कैसे मारा गया था? मारा है पीरी भद पर गई लड़की। अच्छा, क्या आप थोड़ी बहुत बात हुई थी आपसे अपनी बेटी की? क्या बोली थी? अम्मा मम्मी मुझे घर पे ले चलो, मेरे जिठाने ने जहर दिया, मेरे जिठाने ने मुझे जहर दे दो। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कोई ना कोई नसीहत मिलनी चाहिए जेठ जिठानी को। अच्छा, कोई पुलिस ने आरोपी मौके से पकड़ा है? लड़की की शादी करी मैंने 4 महीने शादी हुई है, 12 तारीख को शादी करी, 4-1 महीने होने को जा रहा है। और कहाँ की थी शादी आपने? मैंने दौलतपुर में शादी करी। अच्छा, क्या हुआ फिर? थोड़ी ये हुआ कि उनके घर की लाड़ नहीं बुझी लड़की के जाने के कारण, 8-10 दिन तो सही रही, उसके बाद वो रोज़ लड़ाई रही। इसी कारण उसकी जेठानी ने और उसके जेठ ने सलाह ले गया और उसे दवाई खिला रही। अब वो गेहूँ में रखने वाला पत्ता आता वो खिलाया और अच्छा, किस बात को लेकर आपकी बेटी से मारपीट करते थे उसके ससुराल? मारपीट तो सिर्फ बोले रहने की हवेली के पीछे मारपीट हो गई, जगह थोड़ी दहेज के पीछे, दहेज के पीछे और मारपीट के पीछे। क्या दहेज में कुछ मांगते थे वो आपसे? हाँ, मांगे भी गया, मांगने को तो हम लोग तो समझा रहे, लेकिन उसकी जेठानी नहीं वो सारी आग लगाई, जेठानी मारा होगा। वो पहले एक जगह रह गए अपने, उसके बाद में शादी करने में तो गुमला लगी, उसकी वजह से उन्होंने लड़की भी जहर देखो संभाल। आपको कैसे पता?